भाई जाना काफ़ी टाइम के बाद अपन आए हैं प्योर ईवी के शोरूम पे, और प्योर ईवी ने नई वाली बाइक इंट्रोड्यूस की है, वो है अपनी प्योर ईवी की तरफ से आने वाली इको ड्रिफ्ट। तो आज अपन करने वाले हैं इस वाली बाइक का रिव्यू। अच्छा, खैर ये वाला कलर भी काफ़ी शानदार लग रहा है, इसके अलावा ये ग्रे कलर हैगा। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर ब्लैक कलर भी आ जाता है और एक ये वाला कलर भी खड़ा हुआ है, तो कलर ऑप्शन तो आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं। बाय द वे ये वाला कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आज अपन इसी वाली बाइक का कर देते हैं रिव्यू। आपको ये देख के ऐसी लग ही नहीं रही होगी कि ये इलेक्ट्रिक बाइक है, लेकिन हाँ ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है और काफ़ी अच्छा बजट फ्रेंडली इसको बनाया गया है। तो वीडियो करते हैं अपन जल्दी से स्टार्ट। सबसे पहले यार फ्रंट लुक से बात करें तो यार फ्रंट लुक आप बताओ जल्दी से, देखा देखा से लग रहा है, कमेंट में बता देना, फिर मैं तो बता ही दूंगा कि ये वाला लुक जो है बिल्कुल NS125 जैसा लग रहा है। जैसा NS का लुक आता है बिल्कुल सेम वैसा ही लुक दिया गया है। अंतर से इतना है कि इसमें आपको LED लाइट्स मिलने वाली है, यहाँ पर मिलने वाले हैं इंडिकेटर्स, और ये आपको मिलने वाले हैं फ्लेक्सिबल, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है एक इलेक्ट्रिक बाइक के हिसाब से। और फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स दे रहा है, यार मेरी बाइक है 125 cc, इसमें भी फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है, गजब बेइज्जती है। खैर अब बात कर लेते हैं यहाँ की, तो यहाँ पे मिलने वाले आपको देखो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने वाले हैं, और धूल वगैरह ऑयल वगैरह ना गिरे इससे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाल लगा के इसको कवर भी किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये मिलने वाला है कंप्लीट टायर, और ये आपको अलॉय की डिजाइन मिल जाती है जो देखने में काफ़ी सही लगती है, और ये मिलने वाला है 220mm का आपको डिस्क ब्रेक। That's pretty good. यहाँ टायर की बात करें तो टायर मिलने वाले हैं आपको सीएट के, और साथ में टायर साइज की बात करें तो वो मिलने वाली है 80-18 के आपको टायर साइज मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं मेन गाड़ी की बैटरी की, तो ये मिलने वाली है गाड़ी की बैटरी, और ये आप देखो आवाज पूरा चद्दर का बनाया हुआ है, मतलब कोई प्लास्टिक या फाइबर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, प्रॉपर मेटल का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे आपको प्योर ईवी का लोगो मिल जाता है। साथ में अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें ना, तो ये मिलने वाली है 3 kWh की आपको बैटरी, और चार्जर की बात करें ना, तो चार्जर मिलने वाला है आपको 60W और 10 A का। चार्जिंग टाइम की बात करें ना, तो यार अगर आपको 20-80% तक चार्ज करना है तो ये आपकी 3 घंटे में कम्प्लीट हो जाएगी, और 0-100 आपको चार्ज करना है ना, तो ये लगभग 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब मोटर्स की बात कर ले तो इसमें मिलने वाली है आपको 2 kW की प्रॉपर, देखो इस तरीके से आपको मोटर मिल जाएगी, लेकिन इसकी पीक पावर जो होने वाली है वो होने वाली है लगभग अराउंड आपकी 3 kW की, तो ये बहुत अच्छी बात है। सस्पेंशन यहाँ देखे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से बैक सस्पेंशन मिलने वाले हैं, जो कि एडजस्टेबल हैं, यहाँ पे आपके मोटर की वायरिंग वगैरह कंप्लीट शो हो जाती है, और ये आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आपको बैटरी रखी गई है। यहाँ पे खाली खाली लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी गैस वगैरह नहीं आते हैं, और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड मिल जाएगा, एक मेन स्टैंड मिल जाएगा, और यहाँ पे एक फुटरेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे भी एक फुटरेस्ट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की सीट की, तो यार आगे से आप एक बार लुक देखो ना, तो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लगती है गाड़ी, लेकिन पीछे से आप बात करें ना, तो एक बजट के हिसाब से एक स्लिम गाड़ी आपको बनाई गई है। आप इस तरीके से देख सकते हो, इसकी डिस्प्ले हो जाती है, इसकी टंकी हो जाती है, और ये गाड़ी की कंप्लीट सीट हो जाती है। एनीवे अब चार्जिंग बता रहे हैं, चार्जिंग होती है गाड़ी यहाँ से, इसको अपन ने ऐसा खोला और इसको प्रेस किया, और यहाँ पर इसका चार्जर जो है लग जाता है। रेंज की बात कर लेते हैं, तो रेंज मिलने वाली है इसमें 130 km की प्लस, मतलब 130 km के ऊपर जी आपकी गाड़ी चल जाएगी। कुछ इस तरीके से आपको चाबी मिलने वाली है, यहाँ पर लॉक अनलॉक और सायरन का ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसको करते हैं अपन चालू, तो कुछ इस तरीके से आपको कंप्लीट डिस्प्ले मिल जाएगी, जहाँ पे आपको यहाँ पे प्योर ईवी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज मिल जाएगी, यहाँ पे मोड्स मिल जाएंगे, गैस की बात मिल जाएगी, और यहाँ पर रेंज वगैरह और किलोमीटर्स वगैरह कंप्लीट शो कर देगा। बहुत तेज हो रहा है। यहाँ पे आपको अपर डिपर का स्विच मिल जाता है, और लाइट दिखा दें आप, कुछ इस तरीके से जलती है, ये देख ये लाइट जल रही है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे अपर डिपर मिल जाती है, ये पास लाइट हो जाती है, यहाँ पे इंडिकेटर्स जाते हैं, इंडिकेटर्स आप देख लो, इसके बाद ये आपका हॉर्न हो जाता है जो काफ़ी लाउड है। यहाँ पे इंजन किल स्विच, मतलब इंजन तो नहीं है, मोटर है, तो मोटर को बंद चालू यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे DRLs के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, DRLs और लाइट आप दोनों चीज़ को ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे गैस मिल जाते हैं, 1, 2, 3 गैस मिल जाएंगे, और यहाँ पे एक पार्किंग मोड का अलग से ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और एक और चीज़ की बात करें ना, तो यहाँ पे आप देखो एक टोइंग हुक भी मिल जाता है, तो आप इसमें सामान कैरी करके भी ले जा सकते हो,
बैक ब्रेक नहीं मिलेगा क्योंकि बैक ब्रेक होने वाला है आपका ये, और फ्रंट ब्रेक होने वाला है ये, और फ्रंट में आपको मिलने वाला है डिस्क। और बैक ब्रेक की बात करें तो बैक ब्रेक होने वाला है आपका नॉर्मल ड्रम में। और बैक लुक की बात करें तो इस तरीके से आपको बैक लाइट मिल जाएगी, यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट आ जाएगी और यहाँ पे आप नंबर प्लेट शो करने के लिए एक लाइट मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात। तो ओवरऑल गाड़ी के लुक एंड फीचर्स के हिसाब को देखते हुए ना गाड़ी में काफ़ी अच्छा पैकेज प्रोवाइड कराया गया है। और जो पहले गाड़ी आती थी 1.5 लाख पौने 2 लाख, उससे तो काफ़ी ये सस्ती होने वाली है। ये हो गया ओवरऑल रिव्यू, साथ में शोरूम की डिटेल्स मैंने प्रोवाइड करा दी है, तो कॉन्टैक्ट जरूर से कर लेना। और रिपेयर रिव्यू वालों का अलग से अपना डेडिकेटेड सर्विस सेंटर भी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।